जंतु जगत लेसन नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था, उसमें कोर्डेटा के सभी क्लासेस के कैरेक्टर्स हम देख रहे थे, जिनमें से हम एम्फीबियंस रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स देख चुके हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि एवीज क्या होते हैं, उनके सामान्य लक्षण क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं एवीज के सामान्य लक्षण। एवीज में क्या आते हैं, सभी पक्षी आते हैं यानी उड़ने वाले जीव आते हैं कोर्डेटा के एवीज क्लास में। सबसे पहला कैरेक्टर क्या है कि ये समकामी होते हैं, यानी कि इनके जो जंतु होते हैं एवीज के सभी मेंबर्स का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा समान होता है, बाह्य वातावरण के अनुसार नहीं बदलता जैसे कि एम्फीबियंस में बदलता होता। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है कि जो जैसे कि कोर्डेटा में एक क्लास एक सुपर क्लास थी टेट्रापोडा, वहां पे क्या था कि इसमें वही मेंबर्स आ रहे थे जिनमें चार दो जोड़ी लिप्स पाए जाते थे। पक्षियों में भी दो जोड़ी लिप्स है लेकिन यहाँ पे जो अग्रपाद यानी आगे वाले जो होते हैं लिप्स होते हैं वो क्या होते हैं, उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित होते हैं ताकि वो उड़ सके। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है कि इनके जबड़े दांत रहित होते हैं। टेट्रापोडा का एक कैरेक्टर था कि इनमें जबड़े होते हैं, नेथ्रोस्टोमेटा जिसको हम बोलते थे। यहाँ पे क्या है कि इनमें जबड़े दांत रहित हैं यानी कि दांत नहीं मिलेंगे और उन पर क्या मिलेगी, एक चोंच में उपस्थित होते हैं और जिस पर कठोर होल्ड का आवरण उपस्थित होता है। ठीक है, जो कि बहुत ही मजबूत होता है। इनकी जो अस्थियां होती है पक्षियों की वो आधी खोखली होती है और जिसकी वजह से क्या होते हैं ये शरीर क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, इनका शरीर हल्का हो जाता है। तो क्या होगा, उड़ने में सहायक होता है, उड़ने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये तो भी इनकी असल की बात। नेक्स्ट चैप्टर क्या है कि इनका जो हार्ट होता है वो चार कक्षीय यानी कि फोर चैम्बर होता है, उसमें चार चैम्बर होते हैं जिनमें से दो क्या होंगे, दो होंगे अलिंद और दो होंगे निलय। ठीक है, दो अलिंद पाए जाते हैं और दो निलय पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है कि इनका जो शरीर होता है पक्षियों का वो धारा रेखित होता है, सिर छोटा होता है, गर्दन स्पष्ट होती है, लचीली होती है और इनकी पूंछ भी बहुत छोटी होती है। ठीक है, गर्दन लचीली होती है ताकि इसको इधर से उधर आसानी से घुमा सके, जैसे कि कुछ पक्षियों ने देखा है कि वो पीछे तक गर्दन घुमा लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है कि इनका जो श्वसन तंत्र होता है जैसे कि श्वसन की क्रिया फेफड़ों के द्वारा होती है, इनके जो फेफड़े होते हैं वहां पर बड़े बड़े वायुकोष होते हैं, बड़े वायुकोष यानी कि एयर चैम्बर, इनके फेफड़ों में बड़े बड़े एयर चैम्बर होते हैं जिसमें क्या होता है वायु भरी रहती है और वायु भरी होने की वजह से इनका शरीर और ज्यादा हल्का हो जाता है जिससे कि वो क्या करता है, उड़ने में सहायक होता है। ठीक है, तो बड़े बड़े वायुकोष की वजह से फेफड़ों में जो उपस्थित होते हैं उससे शरीर हल्का होता है और वो उड़ने में सहायक होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है कि यहाँ पर जो कर्ण पल्लव होते हैं वो नहीं होते। जो कर्ण होते हैं उनमें तीन भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतः कर्ण। लेकिन यहाँ पे बाह्य कर्ण उपस्थित तो है लेकिन उनके साथ में क्या नहीं है, कर्ण पल्लव नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, इनमें पैतृक्ष लक्षण पाया जाता है। पैतृक्ष लक्षण का मतलब होता है कि यहाँ पे जो जनक होते हैं वो अपनी संतति की क्या करते हैं, उनका रक्षण करते हैं जब तक कि वो पूरी तरीके से मैच्योर ना हो जाए, इंडिपेंडेंट ना हो जाए। ठीक है, एक मोस्ट पक्षी क्या होते हैं, अंडस होते हैं, ओविपैरस होते हैं। ठीक है, और इनके जो एग्जांपल्स जैसे कि मैंने बताया था आपके जो सिलेबस है वहां पे इन सभी क्लासेस के आपको चार से पांच कैरेक्टर्स पढ़ने हैं कम से कम और उसी के साथ में दो तीन एग्जाम्पल भी आपको देखने हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, वैसे तो आपको बहुत सारे पक्षियों के नाम पता है लेकिन उनके नाम के साथ साथ में आपको क्या करना है, उनका साइंटिफिक नेम भी देखना है। जैसे कि कबूतर होता है, कबूतर में क्या है, जो नाम होता है कबूतर का वो होता है कोलंबा लीविया। ठीक है, जैसे कि चिड़िया होती है, घरेलू चिड़िया की बात कर रही हूं, उसका नाम क्या होता है, पैसर
नेम है, इसका फर्स्ट लेटर जीनस का जो नाम होता है फर्स्ट लेटर बड़ा कैपिटल लेटर में होगा, और स्पीसीज ये क्या है, स्पीसीज यानी कि जाति, इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल लेटर होता है, और इसको ये क्या है एक बाइनोमियल पद्धति के द्वारा लिखा गया। यहाँ पे नाम को क्या कर दिया जाता है, अंडरलाइन कर दिया जाता है अगर हम उसको सीधे इंग्लिश में ऐसे लिख रहे हैं। अगर इटैलिक्स में लिखते हैं तो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये द्विनाम पद्धति में आपने फर्स्ट लेटर में देखा होगा है। तो ये है एवीज के कैरेक्टर्स। आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में आप देखिएगा मैमल्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो हमारा कोडेटा फाइलम पूरा हो जाएगा। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।